हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरिओम सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे टू सैटरडे हम अपने इस चैनल पर क्लास 10th केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज मेटल नॉन मेटल की 7 वीडियो में हमारे पास जो अब तक पढ़ा चुके इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन के बाद मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन के बारे में हमने जाना। बेसिक डेफिनेशन के बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के विषय में हमने जाना, ये कंप्लीट करा चुके हम। आज हम क्या है कि अब तक तो हमने ये देखा कि मेटल किससे रिएक्ट करता है और नॉन मेटल किससे रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन ये भी आता है कि मेटल और नॉन मेटल भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं और रिएक्शन करके जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए आप, यही पहला टॉपिक है, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप देखिए, यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया NaCl। तो आप जानते हैं कि Na जो है ये मेटल है और Cl क्या है, नॉन मेटल है। कारण कि Na जो होता है वो 281 इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन करें, Cl होता है 287 होता है। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर हम क्या देखते हैं कि ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस में, और ये हो जाता है 281 सॉरी 28। और इधर Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो ये हो गया आपका Cl माइनस और ये आ जाता है 288। इस तरह से कंसेप्ट है, देख लीजिए, क्लियर हो गया। यानी सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में था और सीएल के पास 1 2 3 4 5 6 7 सेवन थे, तो इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन सीएल पर चला जाता है और क्योंकि एक इसकी तरफ से जा रहा है, लॉस कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें पॉजिटिव, और ये गेन कर रहा है तो उसमें नेगेटिव आयन आ जाता है। हमारे पास NaCl इस तरह से बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि ये जो बॉन्ड ट्रांसफर से बनना है, ये बनना है ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से आयोनिक बॉन्ड बनता है। यानी ऐसे बॉन्ड जो आयनों से जिसमें चार्ज मिलता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि चार्ज है इसमें, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड के अलावा इसका दूसरा नाम और होता है इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके अलावा भी दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं NaCl के अलावा, हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का दूसरा एग्जाम्पल भी हम यहाँ ले सकते हैं। आप देखिए, जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बनता है, जैसे मैं लेता हूं, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। यदि मैग्नीशियम में देखें तो 282 होता है, ऑक्सीजन आपका 26 होता है। तो अब आप देखिए, कहीं ना कहीं इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर है। तो इसलिए हम क्या बना सकते हैं कि मैग्नीशियम के पास दो है, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, ये यहां से कर देगा और यहां से कर देगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है उस पर माइनस आ जाएगा, तो ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ गई, इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे कई एग्जांपल है, आयनिक बॉन्ड आता कहाँ है, मेटल और नॉन मेटल के बीच आता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है जो लॉस करता है दूसरा उसको गेन करने की पावर रखता है। देख लीजिए, तो आप ये तो समझ गए आयनिक बॉन्ड कहाँ कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड और इसे इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं। अब कुछ आयनिक बॉन्ड से बनते हैं आयनिक कंपाउंड।
आयनिक बॉन्ड से क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है इसके विषय में आपको हम बताते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आयनिक की फर्स्ट प्रॉपर्टीज है फिजिकल नेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल नेचर। तो यहां देखिए पहले रेक्टिफिकेशन वाला देख लें। आयनिक कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। देखिए जैसे अभी NaCl आपने पढ़ा, NaCl क्या है कि Na plus और Cl minus आयन मिलकर बनता है। तो इनमें अपोजिट अट्रैक्शन आयन पाए जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच क्या है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगने से क्या है कि बहुत मजबूती से इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको जुड़कर वो क्या बना देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बना देते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर सी बात होगी। और जिसे ब्रेक करने के लिए हमें आउटर प्रेशर लगाना होता है। ये पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर हो गया, यानी फिजिकल नेचर क्या है कि ये कंपाउंड हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलता है। सेकंड देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, Np फॉर मेल्टिंग पॉइंट, V फॉर बॉइलिंग पॉइंट। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। देखिए सीधी सी बात है कि क्योंकि वो इंटर आयन अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत बड़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या मिलते हैं, हाई मिलते हैं। क्यों करें, इनके क्रिस्टलाइन को तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया, ये सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। आयनिक सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है, मोस्टली क्या है केमिस्ट्री में कहावत है पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में होता है। तो वही केस आ रहा है क्योंकि इसकी पोलर नेचर है भाई, इस कंपाउंड की नेचर क्या पोलर है, तो ये कंपाउंड सॉल्युबल इन द वाटर, तो वाटर की नेचर भी पोलर है, और इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जो नेचर है वो नॉन पोलर है, यानी पोलर पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, यानी जो आयनिक कंपाउंड है उस वाटर में तो सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में तो घुल जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी नेचर नॉन पोलर है उनमें वो इनसॉल्युबल होता है। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी के पॉइंट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि वो पोलर कंपाउंड में तो आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल हो जाएगा, नॉन पोलर में नहीं, यानी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होगा। यही पॉइंट था सॉल्युबिलिटी का। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जानते हैं सीधी सी बात है कि जिसमें चार्ज पाए जाते हो प्लस माइनस, वो फ्रीली मूवेबल चार्ज होते हैं, और फ्रीली मूवेबल चार्ज होंगे तो उसमें बड़ी आसानी से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड ऑन द चार्ज, अपोजिट चार्ज। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट या हमने यहाँ आयनिक कंपाउंड के पढ़े, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो हम मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो इसके बेस पर हमने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करके दिखाया, उदाहरण भी आपको दिखाए, और आयनिक बॉन्ड से ही आयनिक कंपाउंड बना जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हमने यहाँ किया। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा इस वीडियो का, आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब जो कोर्स कंटेंट में आपका जो अगला स्टेप है वो है आपका क्या, कौन सा स्टेप है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स कहाँ मिलते हैं और कैसे उनको प्योर कंडीशन में प्राप्त किया जाता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। धन्यवाद।